देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कौन है इनके परिवार में, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की पत्नी कौन है और क्या करती हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की पहली पत्नी कौन थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की छवि न्यायिक व्यवस्था में तेज तर्रार और प्रखर व्यक्तित्व वाली रही है। कुछ महीने पहले ही इन्हें देश का 50वां चीफ जस्टिस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनसे जुड़े कुछ बेहद रोचक फैक्ट्स में से एक ये है कि इनके पिता वाई वी चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके बाद उनके बेटे डी वाई चंद्रचूड़ को भी इस पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे उच्च पद पर विराजमान डी वाई चंद्रचूड़ का सफर बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर की थी। डी वाई चंद्रचूड़ ने लंबे समय तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी। मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे से ताल्लुक रखने वाले चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ में भी एलएलबी की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जबकि साल 1984 में इन्होंने हार्वर्ड से ही पीएचडी भी की थी। वहां से लौटने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने बॉम्बे से ही वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्हें वकालत का लंबा अनुभव रहा है। इसके बाद वे आहिस्ता आहिस्ता सफलता की ऊंचाइयां छूते चले गए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के परिवार की बात करें तो इनके छोटे से परिवार में पत्नी कल्पना दास के अलावा चार बच्चे हैं। कल्पना दास भी पेशे से वकील हैं और लंबे समय तक ब्रिटिश काउंसिल को अपनी सेवाएं देती रही हैं। कल्पना दास डी वाई चंद्रचूड़ की दूसरी पत्नी हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम रश्मि था, जिनका साल 2007 में कैंसर की वजह से निधन हो गया था। रश्मि से इन्हें दो बेटे हैं और दोनों ही वकील हैं। बड़े बेटे अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट, जबकि छोटे बेटे चिंतन ब्रिटिश लॉ फर्म के लिए काम करते हैं। दूसरी पत्नी कल्पना दास से विवाह के बाद इन्होंने दो बेटियों को गोद लिया था। इनकी दोनों बेटियां स्पेशल चाइल्ड हैं। प्रियंका और माही को इन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का विजिट करवाया था। आपको बता दें कि डी वाई चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जज के तौर पर ये कुछ ऐसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं जो खूब चर्चाओं में छाए रहे। इनमें आर्टिकल 370, निजता का अधिकार और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े फैसले भी शामिल हैं। इनके पिता वाई वी चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके बाद उनके बेटे डी वाई चंद्रचूड़ को भी इस पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने अब तक के करियर में कई बड़े फैसलों के लिए तो जाने ही जाते हैं, इसके अलावा ये पूर्व जस्टिस के फैसलों को पलटने के लिए भी खूब जाने जाते हैं। और वो पूर्व जस्टिस कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पिता वाई वी चंद्रचूड़ थे, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार किया था, और इससे वे खूब सुर्खियों में भी छाए थे। उन्होंने आपातकाल के पक्ष में पिता वाई वी चंद्रचूड़ के दिए फैसले को पलटा था, जबकि 1976 के आपातकाल से जुड़े हुए मामले में ही उन्होंने अपने पिता वाली बेंच के एक आदेश को भी गंभीर तौर पर त्रुटिपूर्ण बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के अडल्ट्रेशन से जुड़े फैसले को 2018 में पलट दिया था, जिसके बाद अडल्ट्री देश में अपराध नहीं रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।